नमस्कार दोस्तों, मैं कुंदन सिंह महामना एजुकेशन हब के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, मैं बीए ऑनर्स आर्ट्स का जो आज पेपर हुआ है 15 अप्रैल 2018 को, उसका लैंग्वेज, क्योंकि बाकी जीएस और मैथमेटिक्स पोर्शन और रीजनिंग तो हमने पहले ही अपलोड कर दिए हैं 3 पार्ट में, वो देखते रहिएगा और शेयर करते रहिएगा उसे, ठीक है। और इस पार्ट में क्या दिखाया है मैंने, इस पार्ट में लैंग्वेज हिंदी और इंग्लिश के 30-30 क्वेश्चन 60 क्वेश्चन में एक वीडियो में आधे घंटे के अंदर पूरा कर दूंगा, ठीक है। तो ध्यान से देखते चलिएगा, मैं ऐसे दिखाते भी रहूंगा क्योंकि बहुत सारी मेरे पास कंप्लेन आई कि सर आंसर भी दिखा दीजिए, मैं जो बता रहा हूँ वो सफिशियंट नहीं है उनके लिए, तो मैं ये भी दिखाता चलूंगा, ठीक है। एक एक बोल के फिर एक एक पेज दिखाता चलूंगा, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले 121 क्वेश्चन जो है ये इंग्लिश लैंग्वेज में सबसे पहले कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये सिनोनिम्स करना है, ठीक है। सेलेक्ट द नियरेस्ट वर्ड इन द मीनिंग इन द गिवन वर्ड, ओके। सो द ऑप्शंस आर हार्ड वर्किंग, फैक्ट्री, वर्कर्स एंड क्राउड, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, सिनोनिम्स जो नियरेस्ट वर्ड इन द मीनिंग क्या होगा, हार्ड वर्किंग, ठीक है, ऑप्शन ए हार्ड वर्किंग, ओके। द नेक्स्ट इज लेथार्जिक, LETHARGIC, लेथार्जिक। इसके ऑप्शंस हैं लिथल मतलब घातक, डेंजरस, एनर्जेटिक एंड लेजी। सो द आंसर हेयर शुड बी व्हाट, लेजी। लेथार्जिक मतलब होता है लेजी, ठीक है। द थर्ड क्वेश्चन, 123rd क्वेश्चन इज मेलंकली। मेलंकली के ऑप्शन क्या क्या है, मेलोडी, सैडनेस, सॉन्ग और म्यूजिक। तो मेलंकली मतलब होता है सैडनेस, ठीक है, सैडनेस, ऑप्शन टू सैडनेस, ओके। 124 में क्या है, टायरेनिकल। टायरेनिकल में क्या है, ऑप्शंस डिक्टेटोरियल, बोल्ड, ब्रेव और चार्मिंग। तो इसका आंसर क्या होगा, टायरेनिकल का ऑप्शन फर्स्ट होगा टायरेनिकल, ठीक है, टायरेनिकल, TYR, टायरेनिकल का होगा कि डिक्टेटोरियल, सॉरी, टायरेनिकल का होगा डिक्टेटोरियल, डिक्टेटर समझते हैं, डिक्टेटोरियल, ठीक है। आंसर ये होगा ऑप्शन फर्स्ट, ठीक है। अब इसमें क्या है कि सेलेक्ट द वर्ड विच इज ऑपोजिट इन द मीनिंग, ओके, एंड द फर्स्ट वर्ड इज प्रीडेटर। 125 क्वेश्चन, प्रीडेटर, PREDATOR, प्रीडेटर, और इसका आंसर जो होगा ये होगा प्रे, PREY, प्रे इसका ऑपोजिट होगा PREY। एक बार देख लीजिए इसको ध्यान से, थोड़ी देर के रखता हूँ कुछ सेकंड के लिए, ठीक है। देख लिया होगा मैं समझता हूँ अब, ठीक है। चलिए, इस वीडियो को पॉज करके आप रोक के देख सकते हैं, आपको विजिबल है सब कुछ, ठीक है। चलिए, 126 में क्या है, स्टिंजी, STINGY, स्टिंजी। स्टिंजी का ऑपोजिट क्या है, जेनरस, GENEROUS, ऑप्शन टू होगा जेनरस, ठीक है। चलिए, सबल, SUBTLE, सबल। तो सबल का ऑपोजिट क्या होगा, ऑबियस, OBVIOUS, ठीक है। तो इसका क्या होगा, ऑप्शन टू ऑब्वियस, ओके। नेक्स्ट है डिस्कॉर्ड, DISCORD, 128 का है डिस्कॉर्ड। डिस्कॉर्ड का ऑपोजिट क्या होगा, हार्मनी, ऑप्शन फोर इज हार्मनी, हार्मनी, HARMONY, हार्मनी मतलब क्या होता है, अच्छा माहौल, सुंदर माहौल, ठीक है, ओके। अब क्या है कि सेलेक्ट द करेक्ट मीनिंग ऑफ द गिविंग आइडियोमेटिक एक्सप्रेशन, ठीक है। तो idioms हैं ये कुछ, once and for all का मतलब क्या होगा इसका, फाइनली, ऑप्शन थ्री, द आंसर हेयर शुड बी फाइनली, ओके, ऑप्शन थ्री फाइनली। 130th का क्या है कि विथ फ्लाइंग कलर्स बोलते हैं ना कि somebody has scored वेरी गुड मार्क्स, ओके, तो बोलते हैं कि ही केम विथ फ्लाइंग कलर्स, ओके। somebody excelled इन his स्टडीज तो बोलते हैं ही केम विथ फ्लाइंग कलर्स, तो मतलब होता है ट्रिम्फेंटली। तो ऑप्शन क्या होगा ये, फ्लाइंग कलर्स का मतलब, फ्लाइंग कलर्स, ट्रिम्फेंटली, TRIUMPHANTLY, ट्रिम्फेंटली, ओके, ऑप्शन फर्स्ट ट्रिम्फेंटली, ठीक है। अब होगा ब्राउनी पॉइंट, ब्राउनी पॉइंट का ऑपोजिट मीनिंग क्या होगा, प्रेज, ठीक है, प्रेज, सॉरी ऑपोजिट मीनिंग बोल रहा हूँ मैं, ये फ्रेज है, तो ब्राउनी पॉइंट का मतलब होता है प्रेज, किसी की बड़ाई करना, ठीक है, प्रेज। तो ऑप्शन थ्री प्रेज, ओके। नेक्स्ट इज अ ग्रे एरिया क्या होगा इसका, ऑप्शन टू समथिंग दैट इज डिफिकल्ट टू डिफाइन, ओके, अ ग्रे एरिया को क्या होगा, ऑप्शन टू समथिंग दैट इज डिफिकल्ट टू डिफाइन। एक बार फिर से देख लीजिए इसको कुछ सेकंड के लिए, मैं आपके सामने रखता हूँ, ठीक है, क्लियर, नलेश, शशिभूषण, ओके, डन, ओके। चलिए, आप लोग अपना चेक भी करते रहिएगा, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हेयर इज 133, सेलेक्ट द राइट वर्ड टू फिल इन द ब्लैंक्स, ओके। कोच किरण ट्राइड टू डैश हिज टीम टू ट्राई हार्डर इन द फेस ऑफ ओवरहेलमिंग odds. The options here are exhort, call, ask or plead. Okay? So the answer should be option 4, plead. 133 का क्या होगा? 133 का plead. PLEAD, plead. Okay? ये answer होगा. ये है option D. Okay? Next है 134. The professor became so forceful, comma,
So Dash, in his expression of opinions, that the students began to leave his course. Options here are angry, violent, abusive or dogmatic. So answer kya hoga 134 ka? 134 ka hoga violent. Okay, violent. ठीक है, कौन सा ऑप्शन है? ये ऑप्शन है दो. द प्रोफेसर बिगेन सो फोर्सफुल सो वायलेंट इन हिज एक्सप्रेशन ऑफ ओपिनियंस दैट स्टूडेंट्स बिगेन टू लीव हिज कोर्स. अंडरस्टूड? ओके. द 135 क्वेश्चन नंबर इज द ज्यूरी डैश द मेयर ऑफ ऑल रॉन्गडिंग्स. द ज्यूरी व्हाट? एग्जीक्यूटेड. उसको एग्जीक्यूट किया, ठीक है, पनिश किया, मतलब व्हाट सेवर द डिसीजन वॉज गिवन बाई द ज्यूरी दैट. तो आंसर क्या होगा 135 का? 135 का होगा एग्जीक्यूटेड. Executed. Okay? Executed. Option 3 है ये. Understood? 135. 136 में क्या है? The women basketball team's perfect season dash in a championship win over the men's team. तो क्या होगा इसका? Culminated. Okay? इसका option 136 का answer 1. Culminated. Culminated. Understood? Culminated. Option first 136 का culminated, right? Now choose the correct option to form the right sentence. Okay, 137 question क्या है? I always keep dash words. I always keep my word. ऐसे बोलते हैं ना, I always keep my word. Okay, I always keep my word. तो इसका answer क्या होगा 137 का? 137 का option 2 और यहाँ my words हो जाएगा, my. 138 का क्या है कि dash wants go swimming at the beach when the weather is nice. Dash wants to go swimming at the beach when the weather is nice. तो यहाँ ऑप्शन क्या होगा? आंसर 138 का आंसर होगा ऑप्शन 4, everyone. ओके, फिर ब्लैंक्स में everyone आएगा, मतलब everyone wants to go swimming at the beach when the weather is nice. Understood? 138 question. 139 क्या कहता है कि dash she signs these papers, she will get the loan. Okay? She signs the paper, these papers, she will get the loan. If she signs the paper, ठीक है, she will get the loan. तो answer क्या होगा 139 का? 139 का option 4, if होगा. If she signs these papers, she will get the loan. ठीक है, 148. A dash of cattle was grazing. तो इसके लिए जो ढेर सारे पशु एक साथ होते हैं, तो उसके लिए एक वर्ड क्या है? वो है herd, H-E-R-D. Herd means a group of animals. A group of cattle is called herd, H-E-R-D. Okay? So the option is first. Option A, that is herd, 148 का herd. Right? ठीक है? इसको मैंने दिखाया ना आपको, अगर नहीं दिखाया तो देख लीजिए एक बार पीछे वाले को. देख लिया? ओके, करेक्ट. नाउ 141 पे आते हैं. ठीक है, सेलेक्ट द पार्ट ऑफ स्पीच ऑफ दिस अंडरलाइन वर्ड इन द गिवन सेंटेंसेस. ओके, द फर्स्ट वर्ड इज रिमेंबर टू ड्राइव सेफली. और अंडरलाइन सेफली को किया गया, तो सेफली क्या है? S-A-F-E-V-L-Y, safely. Safely क्या है हमारा? Safely है adverb. Adverb, okay? Safely क्या है? Adverb. Understood? Safely is adverb. Right? Option 3, adverb. ये कौन सा question number है? 141. 142 का क्या है? देखिए, don't talk like this. तो इसका option क्या होगा? Talk क्या है? Talk is a verb. तो answer should be verb. Okay? 143 पे आते हैं. 142 का option B, verb. ठीक है, we have pens, pencils, notebooks and के नीचे डैश है markers. ओके, तो एंड क्या है यहाँ पे? कंजक्शन है. व्हाट इज दैट? कंजक्शन. तो ऑप्शन 4, दैट इज कंजक्शन. कंजक्शन 143 का फोर्थ, दैट इज कंजक्शन. ओके, ये पार्ट तो सब में सेम ही होगा मेरे ख्याल, किसी भी सारे के सारे सेट्स में. ठीक है, 144 क्या कहता है कि दिस इज अ प्रिटी वास. ठीक है, ये जो फ्लावर का गुलदस्ता जो है ये बहुत खूबसूरत है, प्रीटी के नीचे अंडरलाइन है. ठीक है, तो क्या है ऑप्शन क्या होगा इसका? एडजेक्टिव, नाउन, एडवर्ब और इंटेंसिफायर. तो क्या है ये? एडजेक्टिव है. ठीक है, एडजेक्टिव है. प्रीटी क्या है यहाँ पे 144 में? प्रीटी क्या है? एडजेक्टिव. एडजेक्टिव, ठीक है, ये ऑप्शन एक है, ऑप्शन 144. ओके, राइट. फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट प्रीपोजिशन. नाउ वी हैड अ मील.
वी हैड अ मील डैश अ रेस्टोरेंट, तो यहाँ ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन होगा 145 का एट अ रेस्टोरेंट, वी हैड अ मील एट अ रेस्टोरेंट, एट कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन दो है 145 का, ऑप्शन दो दैट इज वी हैड अ मील एट अ रेस्टोरेंट, राइट। 146 कहता है कि सो द, एक बार देख लीजिए, मैंने दिखाया नहीं आपको, देख लीजिए, देख लिया, ऑल राइट, चलिए 146 में चलते हैं। 146 क्या कहता है कि सो द मैकडोनाल्ड ब्रदर्स थॉट डैश अ वे टू प्रोड्यूस हैमबर्गर्स मोर क्विकली, ओके, सो द मैकडोनाल्ड ब्रदर्स थॉट ऑफ अवे, थॉट डैश ऑफ अवे, ओके, सो 146 का आंसर क्या होगा, 146 का आंसर होगा ए दैट इज ऑफ, ओके, सो द मैकडोनाल्ड ब्रदर्स थॉट ऑफ अवे टू प्रोड्यूस हैमबर्गर्स मोर क्विकली, ओके, सो ऑप्शन ए ऑफ ऑफ दैट इज ऑप्शन ए, मतलब फर्स्ट है ये, ठीक है। 147 क्या है, मैकडोनाल्ड्स इज ऑल्सो नोन एज, मैकडोनाल्ड्स ऑल्सो नोन एज डैश डैश फोर, डैश की जगह फोर आएगा, फॉर इट्स स्पॉन्सरशिप इन वेरियस इंटरनेशनल स्पोर्ट इवेंट, मैकडोनाल्ड्स पता ही है आपको ब्रांड, जो बियर सॉरी क्या है ये वाइन का एक कंपनी है ये, तो 147 का आंसर क्या होगा, ये फोर, ओके, मैकडोनाल्ड्स ऑल्सो नोन फॉर इट्स स्पॉन्सरशिप इन वेरियस इंटरनेशनल स्पोर्ट्स इवेंट, अंडरस्टूड, 147 का आंसर क्या होगा, फोर। नाउ इसमें क्या है, देखिए सेलेक्ट द वर्ड विच हैज बीन करेक्टली स्पेल्ड, तो देख लीजिए 148 149 150, देखिए क्या क्या है, 148 में क्या होगा, कौन सा अकॉर्ड वर्ड है, जो ऑप्शन डी अकॉर्ड ए डबल सी ओ आर डी, राइट। बी में क्या है, दिस इज डिलीशियस, डिलीशियस मतलब बहुत ही स्वादिष्ट खाना होता है जो उसके लिए यूज होता है, डी ई एल आई सी आई ओ यू एस, डिलीशियस, ओके। एंड 150th इज फर्स्ट दैट इज एनोनिमस, ए एन ओ एन वाई एम ओ यू एस, एनोनिमस, ओके, देख लीजिए एक बार, क्लियर है, ठीक है, ठीक है। तो इसमें 148 में क्या है, फोर्थ अकॉर्ड, 149 में फोर्थ डेलिशियस, एंड 150th में एनोनिमस फर्स्ट, ओके। चलिए अब हिंदी पार्ट में आ गया मैं, देखिए 151 नंबर जो क्वेश्चन है हिंदी का, उसमें क्या है, रानी केतकी की कहानी किसकी रचना है, इंशा अल्लाह खान, आंसर क्या है, इंशा अल्लाह खान, ऑप्शन थर्ड इंशा अल्लाह खान, ठीक है। 152 क्या है, हिंदी साहित्य के प्रारंभिक काल के लिए आचार्य शुक्ल द्वारा प्रयुक्त नाम क्या है, वीर गाथा काल, ठीक है, हिंदी साहित्य के प्रारंभिक काल के लिए आचार्य शुक्ल द्वारा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा प्रयुक्त नाम क्या है, तो वीर गाथा काल उसको कहा गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन हिंदी साहित्य के आदि काल के रचनाकार नहीं है, ऑप्शन है परमानंद दास, चंदवर दाई, जगनिक और गोरखनाथ, तो आंसर क्या होगा, परमानंद दास, 153 का आंसर क्या होगा, परमानंद दास, ठीक है। 154 का क्या है, पुष्टि मार्ग का मान्य आचार्य कौन है, ऑप्शंस है मध्वाचार्य, रामानुजाचार्य, निम्बकाचार्य और बल्भाचार्य, तो आंसर होगा बल्भाचार्य, ठीक है, पुष्टि मार्ग का मान्य आचार्य कौन है, बल्भाचार्य। अब 155 क्या है, सरहैया को हिंदी का पहला कवि किसने माना, सरहैया एक हिंदी के कवि है, तो उसको किसने पहला कवि मान लिया हिंदी का, ठीक है, तो ऑप्शन क्या है, रामचंद्र शुक्ल, महादेवी प्रसाद द्विवेदी और जॉर्ज ग्रियर्सन और राहुल संकृत्यायन, तो आंसर क्या होगा यहाँ, राहुल संकृत्यायन, देख लीजिए एक बार इसको ध्यान से, टिक वाला ऑप्शन, ठीक है, अगर ये दिख नहीं पा रहा है तो मैं इस पर भी मार देता हूँ, देख लीजिए एक बार, ठीक है, एक बार फिर से बोल देता हूँ, 151 का 3, 152 का बी, 153 का ए, 154 का सी और 155 का डी, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, 156, इसमें से कौन आदिकाल की रचना नहीं है, ऑप्शन क्या है, बिसल देव रासो, हमीर रासो, पद्मावत, पृथ्वीराज रासो, ठीक है, तो ऑप्शन क्या होगा यहाँ पे, कौन सा आंसर सही होगा, बी पद्मावत, ठीक है, इसमें से आदिकाल की रचना नहीं है तो ये है पद्मावत, ठीक है। चलिए क्योंकि ये तो 16th सेंचुरी में लिखा गया था पद्मावत। 157 का आंसर है, इसमें से कौन
कवि ज्ञानाश्री शाखा के अंतर्गत नहीं है। ऑप्शंस क्या क्या हैं, जायसी, नामदेव, रैदास और कबीर। तो आंसर होगा सी, ऑप्शन सी दैट इज कबीर। ठीक है, ऑप्शन सी दैट इज कबीर। ओके, इसमें से अगला क्वेश्चन है 158, इसमें से कौन भक्ति काल के अंतर्गत नहीं है। ऑप्शन है बिहारी, कृष्णदास, परमानंद दास और नंद दास। तो यहाँ ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन ए दैट इज बिहारी। इसमें से कौन भक्ति काल के अंतर्गत नहीं है, तो बिहारी को छोड़ के ये कृष्णदास, परमानंद दास और नंद दास तीनों ही भक्ति के हैं और बिहारी नहीं है। ठीक है, 159, इनमें से कौन सी रचना मलिक मोहम्मद जायसी की नहीं है। तो देखिए पद्मावत है, आखिरी कलाम भी है, अखरावट भी है, मृगावती उनकी रचना नहीं है, मृगावती उनकी रचना नहीं है। तो ऑप्शन डी दैट इज मृगावत, 159 का ऑप्शन डी दैट इज मृगावती उनकी रचना नहीं है, ये आंसर होगा। फोर्थ, 160 में क्या है, इनमें से कौन निर्गुण भक्ति धारा का कवि है। तो इसमें कौन कौन से ऑप्शन है, देखिए हित हरिवंश, चित्त स्वामी, कबीर और रसखान। तो ऑप्शन थ्री कबीर होगा आंसर। इसमें से कौन से निर्गुण भक्ति धारा, क्योंकि वो सगुण भक्ति धारा वाले थे तो थे कबीर। ठीक है, तो इसका ऑप्शन क्या होगा 168 का, सी दैट इज कबीर। 161, रामचंद्रिका किस कवि की रचना है। तो रामचंद्रिका आपको, मुझे भी याद है, केशवदास की रचना है। ठीक है, इसमें से ऑप्शन है तुलसीदास, नाभादास, हृदय राम और केशवदास। तो केशवदास इज द करेक्ट आंसर, और एक बार आप फिर से देख लीजिए थोड़ी समय के लिए, वीडियो को पॉज कीजिए और देख लीजिए। ठीक है, मैं समझता हूँ आपने देख लिया सही से। ठीक है, चलिए 162 में चलता हूँ मैं। ठीक है, भारतेंदु हरिश्चंद्र किस नगर के निवासी थे। तो ये बनारस के ही थे, जहाँ पे हम लोग रहते हैं, जहाँ पे काशी हिंदू विश्वविद्यालय है, वहीं के भारतेंदु हरिश्चंद्र रहने वाले थे। ठीक है, पटना, इलाहाबाद, भोपाल और बनारस। तो ऑप्शन डी बनारस सही उत्तर। 163, महावीर प्रसाद द्विवेदी किस पत्रिका के संपादक थे। ऑप्शन हेयर आर माधुरी, हिंदी प्रदीप, सुधा और सरस्वती। तो उनकी पत्रिका कौन सी थी, सरस्वती। सरस्वती महावीर प्रसाद द्विवेदी की पत्रिका थी, उनके संपादक थे वो। ठीक है, 164 का जो प्रश्न है, इसमें कहता है कि इनमें से कौन सी रचना मैथिली शरण गुप्त की नहीं है। ऑप्शन से आर प्रिय प्रवास, पंचवटी, साकेत और जयद्रथ वध। ठीक है, तो आंसर कौन सा होगा, प्रिय प्रवास। आंसर क्या होगा, प्रिय प्रवास, ऑप्शन ए प्रिय प्रवास। 164 का ऑप्शन ए प्रिय प्रवास, अंडरस्टूड। 165, इनमें से कौन सी कहानी प्रेमचंद की नहीं है। ठीक है, 165 का क्या है, इनमें से कौन सी कहानी प्रेमचंद की नहीं है। यह है पंच परमेश्वर, बूढ़ी काकी, कर्मनाशा की हार और नमक का दरोगा। ठीक है, तो ये प्रेमचंद की तीनों तो है, फर्स्ट सेकंड और फोर्थ प्रेमचंद की है, कर्मनाशा की हार प्रेमचंद की नहीं है। तो ऑप्शन थ्री कर्मनाशा की हार 165 का उत्तर होगा। 166, पेट की आग का बोध किससे होता है। तो पेट की आग क्या है, जठराग्नि बोलते हैं, जठरानाल भी बोला जाता है, जठरानाल। ऑप्शन है इसके दावाग्नि, जंगल की आग बोलते हैं उसको, ज्ञानाग्नि और बड़वाग्नि। ठीक है, तो पेट की आग क्या है, जठराग्नि, जठराग्नि। ठीक है, 166 का ए जठराग्नि। ठीक है, इसमें से सही शब्द क्या है। तो देखिए पूजनीय जो लिखा हुआ है यहाँ पे, ऑप्शन फोर्थ में जो पूजनीय क्या लिखा हुआ, देखिए कैसे, पूजनीय बड़ा ई। ठीक है, पूजनीय। ठीक है, अब देख लीजिए एक बार आप ध्यान से इसको, करेक्ट। चलिए 166 हो गया, आते हैं 168 पे। 168 में क्या है, किसी संस्था के 25 वर्ष पूरे कर लेने पर मनाई जाती है। तो पता होना चाहिए आपको, सिल्वर जुबली मनाई जाती है, रजत जयंती जिसको हिंदी में कहते हैं। तो 168 का जो उत्तर होगा वो थ्री होगा, थर्ड क्वेश्चन आंसर ऑप्शन नंबर रजत जयंती। जिजीविषा का अर्थ है, जिजीविषा क्या है, जीने की इच्छा। जीने की इच्छा को क्या कहते हैं, दैट इज जीने की इच्छा को क्या कहते हैं, जिजीविषा। ठीक है, तो ऑप्शन फोर्थ 169 का ऑप्शन फोर्थ, जीने की इच्छा। त्याज्य का विलोम है, त्याज्य मतलब त्यागना, तो ग्राह मतलब ग्रहण करना। तो ऑप्शन ए दैट इज ग्राह्य। 170 का क्या है, ग्राह्य। दिए हुए शब्दों में से भिन्न अर्थ वाला शब्द कौन सा है। तो यह है शीतकार, सुधाकर, दिवाकर, निशाकर, ये सब कुछ चंद्रमा के पर्याय हैं। सॉरी, ये तो शीतकर, ये तो चंद्रमा ही हो गया, दिवाकर हो गया, दिवाकर मतलब सूर्य होता है, बाकी ये सब चंद्रमा हो गया। सुधाकर, निशाकर और शीतकर, ये सब चंद्रमा के पर्यायवाची हैं, दिवाकर मतलब सूर्य होता है। ठीक है, तो ऑप्शन सी होगा इसका करेक्ट आंसर, 171 का ऑप्शन सी दैट इज दिवाकर। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प पृथ्वी का पर्यायवाची नहीं है। देखिए अचला मतलब धरती होती है,
धरा मतलब भी होती है वसुधा मतलब, तो ऑप्शन बी होगा चपला, ठीक है। चपला मतलब पृथ्वी का पर्यायवाची नहीं है ये, ऑप्शन बी दैट इज चपला, 172 का चपला ऑप्शन बी। उपसर्ग का प्रत्यय होता है, उपसर्ग का प्रयोग होता है, सॉरी उपसर्ग का प्रत्यय सॉरी उपसर्ग का प्रयोग होता है 173 में शब्द के प्रारंभ में, शब्द के अंत में, शब्द के मध्य में और प्रारंभ और अंत दोनों में। तो उपसर्ग का प्रयोग कहाँ पे होता है, उपसर्ग पहले लगता है शब्द के प्रारंभ में, ठीक है। एक बार इसको देख लीजिए आप, क्लियर। 173, 174 में पहुंचते हैं। इनमें से किस शब्द में प्रत्यय जुड़ा हुआ है, विकल, सरस, विफल और धनिक। तो धनिक में इक जुड़ा हुआ है, ये प्रत्यय है, तो ऑप्शन डी दैट इज धनिक। निम्नलिखित में से 175, निम्नलिखित में से किस पद में अभिभाव समास है, तो ऑप्शंस क्या क्या है इसके, गृहागत, आचार कुशल, प्रतिदिन और कुमारी। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे, प्रतिदिन, प्रतिदिन। निम्नलिखित में से किस शब्द में अभिभाव समास है, तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन सी दैट इज प्रतिदिन, ठीक है, ऑप्शन सी प्रतिदिन। इसमें से कौन सा तत्सम शब्द है, तो पड़ोसी, ऑप्शन क्या क्या, देखिए पड़ोसी, बहु, पुरस्कार और शहीद, तो ऑप्शन बी होगा पुरस्कार, क्या पुरस्कार, पुरस्कार। अब 177 में चलते हैं, 176 का जो आंसर है वो दो होगा पुरस्कार, ठीक है। 177 में ईद का चांद होना का अर्थ है, ईद का चांद होना मतलब क्या होता है, बहुत दिनों बाद दिखाई देना, तो ऑप्शन सी बहुत दिनों बाद दिखाई देना, 177 का ऑप्शन सी बहुत दिनों बाद दिखाई देना, ठीक है। आंखों में धूल झोंकना का अर्थ क्या है, धोखा देकर ठग लेना, आंखों में धूल झेकना झोंकना मतलब क्या है, धोखा देकर ठग लेना। और 178 का भी जो आंसर है ऑप्शन सी होगा, वो धोखा देकर ठग लेना होगा, ठीक है। इसमें इनमें से शुद्ध शब्द कौन सा है, तो देखिए कवयित्री, देखिए कैसे लिखते हैं कवयित्री, क व य हर्ष ई और त्र में बड़ी, ठीक है, कवयित्री होता है। अब देख लीजिए इसको आप एक बार ध्यान से, क्लियर है, चलिए 179 और द लास्ट जो है, लास्ट इनमें से हंस के संपादक कौन थे, तो हंस के संपादक थे मुंशी प्रेमचंद, आंसर होगा इसका चौथा, 180 का कौन सा होगा आंसर चौथा, हंस के संपादक कौन थे, हंस के संपादक थे प्रेमचंद, तो आंसर चौथा प्रेमचंद 180 का, देख लीजिए आप, ठीक है। तो इसी के साथ ये बीए ऑनर्स आर्ट्स का पेपर 2018 का सॉल्यूशन मैं लेकर आया, और चार पार्ट में इसको मैंने किया, तीन पार्ट देखते रहिएगा और सबको शेयर करते रहिएगा अपने फेसबुक टाइमलाइन पे, व्हाट्सएप पे, जैसे भी हो सके, क्योंकि ताकि जितने लोगों ने एग्ज़ाम दिया है, लगभग 40,000 के करीब लोगों ने, 40,000 तो दिया ही है, लगभग 40,000 लोगों के करीब ने इसमें एग्ज़ाम दिया है, ठीक है, और उनको सबका फ़ायदा हो जाए। जिस तरह से इन सबको वीडियो को वायरल कर दीजिए आप, ताकि मैक्सिमम लोगों का फ़ायदा हो जाए। मैंने पढ़ के और समय लेके कि इसलिए किया है ताकि आपका ध्यान बहुत अच्छे से याद रहे, मैं बोल रहा हूँ बार बार, अगर सुन रहे हैं उस चीज़ को तो आपको लंबे समय तक याद रहेगा कि हाँ भैया एक चीज़ सुना था मैंने कहीं और बोला था किसी ने, तो आपको याद रहेगा, ताकि आगे आने वाले भी एग्ज़ाम में बहुत सारे आप कॉम्पिटिशन से बैठेंगे तो ये सब चीज़ें आपकी काम आएंगी, ठीक है, यहीं ख़त्म नहीं हो जाती, ये मेरा मकसद था, ठीक है, आप तक लाने का। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, अगर इस वीडियो से थोड़ा कुछ भी सीखा है अगर आपने, तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिए, ठीक है, और अगर अभी तक भी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि आगे काउंसलिंग, इसका एक्सपेक्टेड कट ऑफ सब कुछ मैं लेकर आने वाला हूँ। और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, शुभ दिन, और मैं आशा करता हूँ कि आप जरूर ही सफल होंगे और बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का हिस्सा अगले 2 महीने बनेंगे। धन्यवाद फॉर वॉचिंग, थैंक यू वन एंड ऑल, ओके, बाय बाय।